हेलो एवरीवन दिस इज फ्रेंड अर फ्रेंड्सा वेलकमिंग यू ऑल अवर यूट्यूब चैनल क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे तो एट्स अराउंड लाइक एक महीने के बाद मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ क्यों क्योंकि हम लोग अभी अपनी रेगुलर क्लासेस की लेक्चर्स अपडेट कर रहे थे जो पेन ड्राइव हो गूगल ड्राइव मोड में दिए जा रहे थे आप सब बच्चों को तो इस वजह से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना नहीं हो पा रहा था बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू आज से ही हम लोग लॉस लो के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में और छोटी छोटी वीडियोज़ को मैं बनाऊंगा जिससे कि हम लोग के छोटे छोटे टॉपिक्स एक एक बार में एट अ टाइम कम्प्लीट होते चले तो स्टार्टिंग विद टू टॉपिक आइए स्टार्ट करते हैं आज आज बच्चे हम लोग अपने जुरस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आरटीआई एक्ट का

अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि बीइंग एन एप्लीकेंट आपने एक पब्लिक अथॉरिटी में एक एप्लीकेशन लगाई और आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड की उस पब्लिक अथॉरिटी से बट उस पब्लिक अथॉरिटी से कोई आपको जवाब ही नहीं आया या जवाब आया बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई विच इज़ गिवन बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़ पी आई ओ टू यू आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है वो गलत है आपको लगता है कि जो विद इन द टाइम पीरियड जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो उतने टाइम पीरियड में नहीं आई या आपके इस एप्लीकेशन का कोई जवाब ही नहीं आया या फिर पीआईओ ने आपको रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन कहते हुए कि यह इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द पीआईओ तो उस सिचुएशन में आप अपील कर सकते हो विद वेरियस डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज और उन्हीं प्रोविजन के रिगार्डिंग हम यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले अपील सेक्शन नाइनटीन में जो दिया हुआ है ऑफ आर टी आई एक्ट टू उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा बच्चे एनी पर्सन कोई भी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड जब हम टाइम स्पेसिफाइड की बात करते हैं तो वैसे हम ऐसा बोलते हैं कि थर्टी डेज़ के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए जब भी कोई हम आर टी आई की एप्लीकेशन लगाते तो थर्टी डेज के अंदर अंदर जवाब आ जाना चाहिए आ, हम लोगों ने एक प्रोविजन ऐसा भी पढ़ा है जहां पे बोला गया है कि फोर्टी एट आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए जहां पर कोई थ्रेट हो किसी के लाइफ को तो उन सिचुएशन में फोर्टी एट आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए और हम यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आर टी आई एप्लीकेंट है उसने एक आर टी आई एप्लीकेशन लगाई बट उसको उस आर टी आई एप्लीकेशन का कोई जवाब ही नहीं मिला विद इन द स्टेटेड टाइम पीरियड विच इज स्टेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली और या फिर जो आर टी आई एप्लीकेंट है डैट पर्टिकुलर पर्सन इज एग्रीव्ड बाई अ डिसीजन ऑफ द सेंट्रल पी आई पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या डिसीजन आया जवाब आया रिप्लाई आया बट आर टी आई एप्लीकेंट उस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है सेंट्रल पीआईओ और एसपीआईओ में डिफरेंस ये है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रही है तो उसका पीआईओ सेंट्रल पीआईओ बोला जाएगा और अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी स्टेट लेवल पे वर्क कर रही है तो फिर इन दैट सिचुएशन जो पीआईओ होगा वो स्टेट पीआईओ माना जाएगा लाइक यूपी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है तो वहां पर एसपीआईओ मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई डिपार्टमेंट है तो आपको वहां पर सीपीआईओ मिलेगा दे हैव गिवन यू द रिप्लाई बट यू आर नॉट विद द रिप्लाई तो इन दैट सिचुएशन द आरटीआई एप्लीकेंट हु या तो जिसको कोई रिप्लाई मिला ही नहीं या जिसको रिप्लाई मिला बट ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ही और शी मे विद इन थर्टी डेज मार्क करिएगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड और फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच अ डिसीजन अब दो पॉइंट लिखे हैं फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड का मतलब ये पहले वाले पॉइंट से लेने देना है कि इतने दिन के अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया या सेकेंड नंबर पर रिप्लाई आया बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई तो ही और शी मे प्रेफर एन अपील टू सच ऑफिसर किसको अपील लग रही है बच्चे ये पहली अपील है फर्स्ट अपील अपील पहली अपील लग रही है उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के ही डिपार्टमेंटल एपलेट अथॉरिटी में मतलब वो एक ऐसे ऑफिसर के पास हम अपील लगा रहे हैं जो उस सीपीआईओ और एसपीआईओ का सीनियर ऑफिसर जिस सीपीआईओ या एसपीआईओ से आपको रिप्लाई आना था उसी का सीनियर रैंक का ऑफिसर आपको आप उस पर एप्लीकेशन लगा रहे हो अपील लगा रहे हो कि भाई हमारे हमने एक आर एप्लीकेशन लगाई थी और आपके अंडर में जो सीपीआई और एसपीआई वर्क कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी या दी ही नहीं तो जो अपील लग रही है वो किसको लग रही है तो सच ऑफिसर हु इज सीनियर इन रैंक जिसको हम अपने टर्म्स में बोल रहे हैं डिपार्टमेंटल एपलेट अथॉरिटी डिपार्टमेंटल का मतलब उसी डिपार्टमेंट में लगा दी उसी पब्लिक अथॉरिटी में लगा दी जहां द सीपीआई और एसपीआई इन सच पब्लिक अथॉरिटी हम किस रैंक के ऑफिसर को हु इज सीनियर इन रैंक हु इज सीनियर इन रैंक किसका सीनियर टू द सी पी आईओ और एसपीआईओ इन सच पब्लिक अथॉरिटी तो इसका मतलब हम सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो पी आईओ के पास लगाते हैं ये पी आईओ दो हो सकते हैं या तो सी पी आईओ होगा अगर सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी है या फिर एस पी आईओ होगा अगर स्टेट पब्लिक अथॉरिटी है ठीक है अगर आप पी आईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड से नहीं है तो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी आपकी आती है सीनियर ऑफिसर किसका सीनियर सीनियर ऑफिसर ऑफ सच पी आईओ ठीक है इसको हमने नाम दिया डिपार्टमेंटल अपनेट अथॉरिटी क्योंकि आप कहीं और नहीं गए बल्कि उसी डिपार्टमेंट की अपनेट अथॉरिटी में जाकर आपने अपील करते ठीक है कितने दिन के अंदर अपील करनी बचे थर्टी डेज माफ करिएगा थर्टी डेज ठीक है कहते हैं अगर आपने थर्टी डेज के अंदर अपील नहीं करी एंड इफ यू आर हैविंग अ वैलिड रीजन कि आप थर्टी डेज में अपील क्यों नहीं कर पाए

जहाँ पे सफिशियट कॉज दिए हुए हैं कि कौन कौन से कॉजे सफिशियंट हो सकते हैं अच्छा यहाँ पे ऐसा भी है कि आप ऑफिसर के सामने जब अपील लगाओगे तो ऑफिसर यही बोलेगा कि थर्टी डेज का टाइम कंप्लीट हो चुका है आपने पहले क्यों नहीं अपील लगाई तो आपको वहाँ जस्टिफाई करना होगा कि जिस रीज़न की वजह से आप थर्टी डेज में अपील नहीं लगा पाए थे वो रीज़न जस्टिफाइड होना चाहिए अगर आप उसको जस्टिफाइड बना सकते हो अगर आपने ऑफिसर को कन्विंस कर लिया तो तीस दिन के बाद भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं हो पाए नहीं कर पाए तो ऑफिसर थर्टी डेज के बाद आपकी अपील को एंटरटेन नहीं करेगा ठीक है तो मतलब ये डिस्क्रिप्शन हो गया किसका एक तरीके से सीनियर रैंक के ऑफिसर का ठीक है कहते हैं वेयर एन अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय आर सी पी आई और एस पी आई ओ टू डिस्क्लोज थर्ड पार्टी इफॉर्मेशन थर्ड पार्टी इफॉर्मेशन के बारे में आपने सेक्शन इलेवन में भी पढ़ा होगा थर्ड पार्टी इंफॉमेशन में ऐसा होता है कि आपने पी आई ओ के पास एक एप्लीकेशन लगा दी आर टी आई एप्लीकेशन और पी आई ओ कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन आप डिमांड कर रहे हो वो पी आई ओ को थर्ड पार्टी से लेनी है किससे लेनी है किसी थर्ड पार्टी से लेनी है अब या पी ने थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन आपको आर टी एप्लीकेशन में दे दी अब थर्ड पार्टी को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन पी ने आर टी एप्लीकेंट को दी है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी जो पी को नहीं देनी चाहिए थी फिर भी पी ने दे दी इसका मतलब पी ने जो जवाब दिया है उससे आर टी एप्लीकेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बल्कि प्रॉब्लम किसको हो रही है थर्ड पार्टी को जिसकी इन्फॉर्मेशन पी ने आर टी एप्लीकेंट को दे दी है तो वो थर्ड पार्टी अब अपील फाइल करना चाहती है तभी लिखा वी आर एन अपील इज प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाई सी पी आई और एसपीआई टू डिस्कलोज थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन द अपील बाय द कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी अगेन मेड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इसका मतलब अगर पी आईओ ने ऐसे देखते हैं देखिए पी आईओ ने आर टी आई एप्लीकेंट को कोई जवाब दिया आरटीआई एप्लीकेंट को कोई जवाब दिया और थर्ड पार्टी को लगता है कि पी आईओ ने आर टी आई एप्लीकेंट को एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है उस इंफॉर्मेशन uh, की वजह से तो थर्ड पार्टी पीआईओ की डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहती है कर सकती है अगेंस्ट डेज़ के अंदर ठीक है डिसीजन गिवन इन पॉइंट वन अब शैल लाए विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड रिसीव्ड विद आई सी कहते हैं अगर आप सीनियर रैंक के ऑफिसर के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सेकंड अपील फाइल करोगे सेकंड अपील आपको फाइल करनी है विद इन डेज ऊपर डेज डेज यहां आ रहा है 90 तो इसका मतलब पहले आरटीआई एप्लीकेंट ने पीआईओ पे एप्लीकेशन लगाई पीआईओ की तरफ से या तो जवाब ही नहीं आया या जवाब आया बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप फर्स्ट अपील लगाते हो टू द सीनियर रैंक ऑफिसर ऑफ पीआईओ सीनियर रैंक ऑफिसर के पीआईओ के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो या उसने आपको डिसीजन दिया ही नहीं तो इन दैट सिचुएशन इन दैट सिचुएशन आप अपील लगाने जा रहे हो कहां पे सीआईसी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और एस आई सी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन अगर सेंट्रल लेवल की पब्लिक अथॉरिटी है तो सीआईसी में जाओगे अगर स्टेट लेवल की पब्लिक अथॉरिटी तो एस आईसी में जाओगे विद इन नाइनटी डेज यू नीड टू फाइल अ सेकेंड अपील ठीक है कहते हैं अगर 90 दिन के अंदर आप अपील नहीं लगा पाए तो तो कहते हैं अगेन सेम पॉइंट एक्सटेंशन मिल सकती है ऑन सफिशेंट कॉज तब लिखा ओवर द सीआईसी और एसआईसी मे एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज It is if it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal. In. तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये सेकंड अपील का प्रोविजन भी समय में आ गया अच्छा सर हमको कैसे पता लगेगा कि पीआईओ और एसपीआईओ जो सीपीआईओ या एसपीआईओ उसका सीनियर रैंक ऑफिसर क्या है तो कहते हैं बच्चे देखो वैसे तो क्या होता है जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज होते हैं वो अपनी वेबसाइट पे भी इसको मेंशन कर देते हैं लेकिन अगर मैंशन नहीं किया हुआ है तो अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है लाइक आपने पी आईओ पर एप्लीकेशन लगाई और पी आईओ पे पी आईओ की पी आईओ ने जवाब दिया तो पी आईओ जब अपना जवाब देता है तो उसमें कर देता है उस जवाब में कि अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद माई डिसीजन तो ये मैंने सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं आप यहाँ पर अपील लगा सकते। वो कर देते हैं दे जवाब आया ही नहीं जब जवाब ही नहीं आया तो आपको ऑफिसर वेबसाइट चेक करिए नहीं पता लग पा रहा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन में आ जाइए फर्स्ट अपील फाइल ही ना करिए और आप अब इंफॉर्मेशन कमीशन में तो पता ही नहीं है कि सीनियर रैंक ऑफिसर है कहते हैं इन एनी अपील प्रोसीडिंग कहते हैं कोई भी जो अपील है ये फर्स्ट अपील या सेकंड अपील द ओनस ओनस मींस बर्डन द बर्डन टू प्रूव डेट अ डिनाइल ऑफ रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड मान लीजिए आईआरटीआई टी आई एप्लीकेट ने पीआईओ पे एप्लीकेशन लगाई और पीआईओ ने उसको रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि यह इंफॉर्मेशन हम डिस्कलोज नहीं कर सकते अब अगर आपको आपने आरटीआई एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको सेक्शन एट सेक्शन ट्वेंटी याद होगा और वहां पर लिखा हुआ है कि सेक्शन एट में लिखा है कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम डिस्कलोज नहीं कर सकते वो कॉन्फिडेंशियल इफॉर्मेशन है एक्जिम्टेड है

कि ये इंफॉर्मेशन सेक्शन एट में एक्सिमटेड है इस वजह से वो डिस्कलोज नहीं करेगा तो बर्डन किसके पास है प्रूव करने का ओनस इज ऑन द पी आई यू तभी लिखा ओनस टू प्रूव डेट अ डिनाइल ऑफ रिक्वेस्ट वॉज जस्टिफाइड शैल बी ऑन द सी पी आई ओर हु हुईड द रिक्वेस्ट ठीक है क्लियर होगी बात आगे इंपॉर्टेंट डे आता है कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो आपने अपील फाइल की है वो कितने दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए मतलब वो मैटर कितने दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए तो कह रहे हैं अपील मैंशन पॉइंट वन और टू शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन थर्टी डेज तीस दिन के अंदर अंदर मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपील और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ टोटल पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव डेज तो तीस दिन के अंदर अपील की प्रोसीडिंग खत्म हो जानी चाहिए अगर तीस दिन के अंदर भी नहीं होती तो एक्सटेंडेड टाइप पीरियड दट इज टोटल फोर्टी फाइव डेज के अंदर हो जाना चाहिए मतलब हम ऐसे कह सकते हैं तीस प्लस पंद्रह पंद्रह दिन की एक्सटेंशन दे दी गई है टोटल फोर्टी फाइव डेज से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए तभी लिखा और नॉट एक्सीडीडिंग टोटल ऑफ फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग देर ऑफ फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और जो ये पंद्रह दिन की एक्सटेंशन दी जा रही है ना यहाँ पे अपलेट अथॉरिटी को बताना होगा कि क्यों उन्होंने इतना टाइम लगा दिया क्यों उन्होंने थर्टी डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की या थर्टी डेज के अंदर उन्होंने अपील के पॉइंट को क्यों रिजॉल्व नहीं किया ठीक है कहते हैं जो सी और एस है इसका डिसीजन विल बी भी बाइंडिंग ये फाइनल अथॉरिटी है जिसपे आप अपील लगा सकते थे तो सी और एस का डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन ठीक है कहते हैं जब सी और एस के पास कोई मैटर आता है तो सी और एस क्या क्या कर सकती है मतलब सी और एस क्या क्या डिसीजन ले सकती है लिखा इन इट्स डिसीजन द सी आई सी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एस आई सी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैज द पावर टू रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी जहां पर आपने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई है कहते हैं पावर है सी आई सी और एस आई सी के पास कि वो पब्लिक अथॉरिटी को ये ऑर्डर दे सकती है टू टेक एनी सच स्टेप एज मे बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इंक्लूडिंग मतलब सीआईसी और एसआईसी फटकार लगा रही है पब्लिक अथॉरिटी को कि आपको अब ये नेसेसरी स्टेप्स उठाने होंगे जिससे कि आप आरटीआई एक्ट को पूरी तरीके से फॉलो कर सको इंक्लूडिंग कौन कौन से स्टेप्स उठाने के लिए वो बोल सकती है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ सो रिक्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पब्लिक अथॉरिटी को कह सकती है कि आरटीआई एप्लीकेंट ने जो इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड की है उनको प्रोवाइड करिए सेकेंड बाई अपॉइंटिंग अ सी पी आई और एस पी आई ओ अगर उस पब्लिक अथॉरिटी में पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है ही नहीं तो सी आई सी और आई सी वहाँ ऑर्डर दे सकती है पब्लिक अथॉरिटी को कि आप सी पी आई और एस पी आई ओ या जो भी आपकी अथॉरिटी है वहाँ पर अपॉइंट करिए मीन्स इफ यू आर हैविंग अ सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी तो सी पी आई यू अपॉइंट करिए स्टेट पब्लिक अथॉरिटी है तो एस पी आई अपॉइंट करिए और आर टी आई का जवाब दीजिए बाय पब्लिशिंग सर्टन इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज हो जानी चाहिए थी पहले ही बिना आरटीआई एप्लीकेशन लगाए और पब्लिक अथॉरिटी ने अभी तक वो इन्फॉर्मेशन डिस्कलोज ही नहीं की लाइक सीनियर रैंक ऑफिसर कौन है तो एस सी आई सी और एस आई सी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है कि अपनी वेबसाइट पर यह सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करिए

और बाय इनहेंसिंग द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर इट्स ऑफिशियल्स या सीआईसी और एसआईसी उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा सकती है जिससे कि पब्लिक अथॉरिटी को पता लग सके कि जब आपके पास कोई आरटीआई एप्लीकेशन आए तो आपने उसका कैसे जवाब देना है किस तरीके से क्या रिप्लाई देना है और इसके अलावा और क्या कर सकती है सीआईसी और एसआईसी इट मे रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट फॉर एनी लॉस और अदर डिट्रिमेंट अफर्ट अगर आरटीआई एप्लीकेशन का गलत जवाब आया या एप्लीकेशन का जवाब आया ही नहीं जिसकी वजह से आरटीआई को कुछ नुकसान हो रहा है तो सीआईसी और एसआईसी कंपनसेशन प्रोवाइड करे टू दैट टू द कंप्लेनेंट कौन कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा वो पब्लिक अथॉरिटी जिसने जवाब नहीं दिया और इट मे इंपोज एनी ऑफ द पेनल्टीज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और पेनल्टीज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन ट्वेंटी में और सीआईसी और एसआईसी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन अपेलेंट ने अपील की एप्लीकेशन लगाई और सीआईसी और एसआईसी कहती है कि पब्लिक अथॉरिटी का डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होनी चाहिए थी तो ऐसा भी हो सकता है मतलब हमेशा डिसीजन पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा कभी कभी आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की जा सकती है ठीक है नाउ कमिंग अप ऑन द लास्ट टॉपिक लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और अब हम लोगों ने अपील के तो सारे प्रोविजन पढ़ लिए लाइक like सबसे पहले पी आई देन उसके बाद डिपार्टमेंटल अपलेंट अथॉरिटी लाइक सीनियर रैंक ऑफिसर देन उसके बाद सी और एस आई सी सेकंड अपील पहली अपील थर्टी डेज के अंदर दूसरी अपील नाइन्टी डेज के अंदर अपील कितने दिन के अंदर हो एंटरटेन हो जानी चाहिए मतलब अपील कितने दिन के अंदर डिस्पोज हो जानी चाहिए थर्टी डेज के अंदर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड हो सकता है प्लस पंद्रह दिन कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं ठीक है ना कमिंग अम पी आई ओ पेनल्टीज अब यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि जो सी आई सी और एस आई सी है अगर उनको लगता है कि, कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने पावर्स का मिस किया है जान के इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की इन्फॉर्मेशन को छुपाया इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जबरदस्ती एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो इन दैट सिचुएशन अगर सी और एस को लगता है कि कंसर्न पी ने गलती की है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है तभी लिखेंगे वेयर सी और एस आई सी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेट और अपील इज ऑफ दी ओपिनियन दैट द सी पी आई और एस पी आई ओ हैज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज कहते हैं अगर सी और एस को लगता है कि पी ने बिना किसी रीजनेबल रीजन reason के बिना किसी रीजनेबल कॉज के रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया जान बूझ के गलत इंटेंशन के साथ और एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो की बट नॉट फर्निश्ड इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड या विद इन द ड्यू टाइम लिमिट विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन जवाब नहीं दिया और मैलाफाइडली डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जान बुझ कर गलत इंटेंशन से उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट करने वाली थी नहीं फिर भी रिजेक्ट कर दिया नोइंगली गिवेन इनकरेक्ट इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई या मिसलीडिंग बिल्कुल अलग ही तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो नहीं की बल्कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन विच वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर इन इन्फॉर्मेशन द इफॉर्मेशन या जो इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन दी ही ना जा सके कहते हैं अगर ऐसा कुछ भी पी आई ओ और किसी भी सी पी आई ओ या एस पी आई ओ ने किया होगा तो सी आई सी और एस आई सी ऑर्डर दे सकती है पेनल्टी लगा सकती है उस पी आई ओ पे क्या कर सकती है इट इट मीन सी आई सी और एस आई सी इट शैल इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ रुपीज टू फिफ्टी ईच डे टेल एप्लीकेशन इज रिसीव और इन्फॉर्मेशन इज़ फर्निश बट द टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शेल नॉट एक्सटी रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जितने दिन की डिले हो रही है ढाई सौ रुपये पर डे के हिसाब से उतनी पेनल्टी लगाई जा सकती है लेकिन ढाई सौ मल्टीप्लाई बाय कितना कितना कर सकते हैं तो टू फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अगर आप कर दें तो ये पच्चीस हज़ार हो जाती है तो 100 दिन तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर ये 200 दिन हो जाते हैं तो भी मैक्सिमम 25,000 ही पेनल्टी लगाई जाएगी तो पेनल्टी का अमाउंट 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता ध्यान दीजिएगा हाउ एवर दीपीआई और एसपीआईओ लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सी और एस आईसी ने डायरेक्ट डिसीजन दे दिया कि नहीं पेनल्टी लगा दो पच्चीस की नहीं पीआईओ को भी पूरा मौका दिया जाएगा अपने फैक्ट को प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड विल बी गिवेन टू सीपीआई और एस पी आई यू शैल गिवेन रीजनेबल ऑपरचुनिटी ऑफ बींग हर्ड पहले पी आई ओ की बात को भी सुना जाएगा डिसीजन लेने से पहले बिफोर एनी पेनल्टीज इम्पोज ऑन हेम एंडन ऑफ प्रूविंग दैट ही एक्टेड रीजनेबली एंड डिलीजेंटली शैल बी ऑन द सी पी आई और एस पी आई ओ और अगर सी आई सी और एस आई सी को लगता है कि हाँ पी आई ओ ने गलती की है तो पी आईओ को मौका मिलेगा अपने आप को जस्टिफाई करने का पी आई ओ अगर अपना रीजनेबल रीजन दे सकता है और अपने आप को बचा सकता है तो बचा लें अदरवाइज पेनल्टी इंपोज हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम देनल्टी सी आईसी और एस आईसी कैन ऑल्सो रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सच पी आईओ अंडर द सर्विस रूल टू है कहते हैं तो इंपोज होंगे ही होंगी अंडर सेक्शन ट्वेंटी इसके अलावा अगर सी आईसी और एस आईसी को लगता है कि कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए कुछ मिस कंडक्ट का डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए तो वो भी उस पी आईओ के अगेंस्ट लिया जा सकता है एज पर दर्विस रूल विच आर एप्लीकेबल अपॉन सच पी आईओ तो बच्चे दिस दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 ऑफ आरटीआई एक्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस आरटीआई एक्ट जो एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं इस वजह से उम्मीद करता हूं मैंने आपको 15-20 मिनट के अंदर ये पूरा आ, दोनों टॉपिक समझा दिए और हमारे दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए ऑफ आटीआई एक्ट तो ऐसे ही हम लोग और नेक्स्ट वीडियोज में छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करते चलेंगे जिससे कि हमारे एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होता चले तो डेट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इंजॉय योर डे उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा पढ़िएगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर लेंगे टिल देन गुड बाय बो बाय